आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे कि कोई भी तत्व है उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, आप अच्छे से समझिएगा, आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक होता है हमारे एस कक्षक, एक होता है पी कक्षक, एक होता है डी कक्षक और एक होता है एफ कक्षक। ओके, तो ये एस पी डी एफ चार कक्षक होते हैं। एस में अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सिर्फ एक कमरा है इसके पास में। पी के पास होते हैं कितने कमरे, आप ऐसे ही याद रखिएगा जिससे आपको रटना नहीं पड़े। पी के पास होते हैं हमेशा तीन कमरे। डी के पास होते हैं पांच कमरे, एक दो तीन चार पाँच। ओके, और एफ के पास सात कमरे होते हैं, तीन चार पाँच छ सात। ओके, ये चीज आप याद रख लीजिएगा। अब एक कमरे में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो, दो से ज्यादा नहीं आ सकते। तो आप यहाँ पर ए और ये दो, यानी एस में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भरा सकते हैं, दो। आप इससे ज्यादा भर सकते हैं क्या, नहीं भर सकते। ओके, अब हम पी की बात करें तो पी में हम देखिए मुंड का नियम ये होता है, मैं आपको सारे नियम बताऊंगी लेकिन इस नियम के अनुसार ये होता है कि पहले हर कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाना चाहिए। ओके, उसके बाद ही उसमें क्या होता है, ये आपस में डबलिंग यहाँ पर होती है। ओके, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होगा, एक दो तीन चार पाँच छ। तो यहाँ पर पी वाले कक्षक में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, छ। अब हम बात करें डी की, तो डी में पहले एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, तो ये दस। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी हो कक्षक में यहाँ पे हमको सबसे पहले हर जगह पर एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा क्लॉकवाइज, उसके बाद वो एंटी क्लॉकवाइज यानी अपोजिट डायरेक्शन में जुड़े। ठीक है, तो कपलिंग तभी होती है इनमें। अब इसके बाद ये दस हो गए, इसमें सात कक्षक होते हैं, तो यहाँ पर हम देखें एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, चौदह। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि एस में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दो हो सकते हैं, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। पी में छः हो सकते हैं, डी में दस हो सकते हैं, एफ में चौदह हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आ गई आपको समझ में। चलिए अब अपन इधर आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है। ठीक है, कोई भी चीज़ ले लें हम, सबसे पहले मैं बात करूँ तो कार्बन की। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, छः। ओके, परमाणु क्रमांक छः होता है। तो अब हम देखें इसमें सबसे पहले देखें वन एस टू। ओके, वन एस टू, फिर टू एस टू, टू पी सिक्स। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए सबसे पहला जो कक्षक होता है ना, तो उसमें सिर्फ पहला कक्षक जो है उसमें सिर्फ एस होता है, तो वन एस, और एस में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो होते हैं। दूसरा जो कक्षक होता है उसमें एस भी होता है और पी भी होता है। ठीक है, तो एस पी, और तीसरा जो कक्षक होगा उसमें एस भी होगा, पी भी होगा और डी होगा, और जो चौथा कक्षक होता है एस पी डी एफ, क्योंकि कक्षक बढ़ते जा रहे हैं, आकार बढ़ता जा रहा है। पहले वाले में तो सिर्फ एस था, ठीक है, ऊपर स्टार्टिंग में, दूसरे में एस भी आ गया और पी भी आ गया, एस और पी दोनों आ गए। ठीक है, फिर तीसरे वाले में एस भी आ जाएगा, पी भी आ जाएगा और डी भी आ जाएगा, तीनों इंक्लूड हो गए तीसरे कक्षक में। ठीक है, और जो चौथा आया वहाँ से एस पी डी और एफ चारों कक्षक आ जाएंगे, फिर जितने भी कक्षक बढ़ते जाएँ सभी में एस पी डी एफ एस पी डी एफ रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो कक्षक होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो अपन सबसे पहले किसकी बात करें, वन एस टू, क्योंकि एस में ज़्यादा से ज़्यादा दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पहले कक्षा में पी तो आता नहीं है। दूसरे वाले में टू एस टू, एस दूसरा कक्षक है, इसका मतलब है कौन सा कक्षक है। तो अब अपन पहले की बात किस पे जाएंगे, दूसरे वाले पे, तो दूसरे पे एस है तो वो कितने हैं, दो। ठीक है, और पी भी होता है यहाँ पर, दूसरे कक्षक में कौन होता है, पी। डी नहीं होता, आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे, डी। तीसरे वाले में डी भी आ जाएगा और चौथे वाले में एफ भी आ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर टू एस और टू पी दूसरे कक्षक में होते हैं। अब यहाँ पर हम देखें दो और दो कितने हो रहे हैं, चार, चार और छः कितने हो जाते हैं, दस। लेकिन यहाँ कार्बन का कितना है, यहाँ पर परमाणु क्रमांक छः, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे घाते जोड़िए, दो और दो चार, छः से ज़्यादा नहीं निकलनी चाहिए।
ओके, तो आप आखिरी वाले में कम कर सकते हो, 6 से कम आप कितना भी लिख सकते हो, बस ढूंढने पर, खाते ढूंढने पर आपका परमाणु क्रमांक आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p कितना लिख दूं कि 6 हो जाए, 2 और 2 4, 4 और 2 6। ओके, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है, अब हम बात करें ऐसे ही, जैसे हम ZN का ले लें, ZN का परमाणु क्रमांक 30 होता है। ओके, तो आप यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जमाएंगे तो देखें, सबसे पहले 1s2 इतना ही होता है इसमें, ठीक है, 2s2, ओके, 2p6 लिख दिया। देखिए 6, 7, 8, 9, 10 अभी तो 10 ही हो रहे हैं, यानी आप आके लिख सकते हैं। अब 2 में s और p होता है, मैंने अभी आपको समझाया था। अब d नहीं होता, अब अपन को कौन से कक्षक पे जाना पड़ेगा, तीसरे पे। तो तीसरे में भी पहले कहाँ पर भराएगा, s में, फिर भराएगा p में, फिर भराएगा किस में, d। तो d में आप उतने भरिएगा जितने में वो 30 हो जाए। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 11 12, 12 और 6 कितने हो गए, 18, और यहाँ पर कितना हो रहा है, 19 20, 1s2 2s2 36, 3s2 36, और फिर यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 4s2, फिर आपको लिखना पड़ेगा 3d, यहाँ पर जितने भी हुए हो आपको यहाँ पर आ जाएंगे 10। ओके, तो ये आप गिन लें, आप 2 2 4 6 10 11 12 18 19 20 और 10 30। अब मैंने ये क्या किया, यहाँ पर आप देखें तो ये 4s कहाँ से बीच में आ गया, ठीक है, तो आपको ये डाउट हो रहा होगा। तो इसके लिए एक तरीका होता है, आपको वो तरीका ही समझाना चाहती हूँ। पहले तो आप घाते जोड़िए, तो घाते आप जोड़ेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि सबको जोड़कर कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। अब आपबाऊ नियम के अनुसार ये होता है, एन प्लस एल लो फॉलो होता है, यहाँ पर ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन भराते हैं, वो मैं आपबाऊ नियम समझाऊंगी तो उस टाइम पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अभी तो आप किस तरह से मैं जमा रही हूँ उस चीज़ को देखें, आप इतना ही बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जमा सकते हैं। ओके, ये तो मैंने आपको जिंक का बता दिया कि किस तरह से मैंने जोड़ा, आप खाते जोड़ेंगे 30 आ रहा है, लेकिन अब बीच में ये 4s क्यों आ गया, ठीक है, आपको ये लग रहा होगा कि मैंने ये बीच में क्यों छुपाया। तो अब आप इसे देखिए कि किस तरह से हम इसको करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इतनी सी लाइन याद कर लीजिए, कर लेंगे आप इतना याद। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 1s2, 2s2, 2p6। ओके, रटने की जरूरत नहीं है, मैं कितना ही बड़ा कर दूं आप उस चीज को कर लेंगे, इतना याद कर लिया। अब आपको क्या करना है, 2 2 की जगह पे आप 3 3 लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पर आप 3s2 3p6, बस 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 3, बाकी सेम वैसा था वैसे ही लिखा, कर लेंगे इतना भी आप। बस इतनी सी लाइन आप उनको याद रखनी है, उसके बाद मैं जैसा बताती जाऊँ आप वैसा करते जाएं। ओके, अब देखिए, बस मैंने 2 की जगह क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 के में एक जोड़ा, संख्याओं में आप एक एक जोड़ते जाएंगे, और ये जो आपका जो ये है SPDF, इसमें आपको पीछे की तरफ, यहाँ से आप पीछे की ओर जाएंगे। ओके, तो 3 में एक जोड़ा तो कितना आया, 4, 3 में एक जोड़ा तो कितना आया, 4, और पी में एक माइनस किया, पीछे गए पी में तो क्या आया, एस, तो यहाँ पर एस लिख दिया। ओके, और एस पे ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी होती है, 2। ठीक है, तो इस तरह से हमने घात लगा दी। अब पहला ब्रेकर आ गया, क्योंकि अब एस के ऊपर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, पहला ब्रेक आया तो 3d आ जाएगा, दूसरे ब्रेक पे 4d आ जाएगा, फिर 4d के बाद 4f 5f 6f, मतलब ब्रेक यदि आया ना एस जहाँ पर पहुँच जाए, तो एस पर पहुँचने के बाद फिर हमको क्या करना है, इन ब्रेकर पे आना। पहला ब्रेक आ गया, यहाँ पर एस पहुँच गया, अब एस के बाद अब हमको क्या करना है, 4, ये तो अपना ब्रेकर लग गया, तो सबसे पहले ब्रेक पर हमको 3d लिखना है। तो 3d में ज़्यादा से ज़्यादा खाते कितनी आती हैं, 10 आती हैं, लिख दी हमने। ओके, अब वापस कोई चीज़ करो, 3 में एक जोड़ा तो कितना आ गया, 4, बी में एक माइनस किया, पीछे गए तो कितना आ गया, p6, 4 में एक जोड़ा तो कितना आ गया, 5, पी में एक घटाया तो क्या आ गया, पी में एक माइनस किया तो क्या आ गया, एस। ठीक है, और इसकी घात कितनी होती है, 2।
अब देखिए P से वो S पे तो पहुंच गया, अब S पे जैसे ही वो पहुंचा तो अब ऊपर कुछ है नहीं, अब दूसरे ब्रेकर पे आ जाओ, दूसरे ब्रेकर पे क्या लिखा हुआ है 40, तो अब हम किसको लेंगे 40 10। ओके तो 40 10 ले लिया हमने, इसके बाद क्या करेंगे ये मैं वापस लिख देती हूँ 40 10। आपको कुछ नहीं करना है, कोई चीज संख्या जो है उसमें जोड़ना है 5 और D में 1 माइनस करना है, तो D के बाद क्या, D के पहले क्या आता है P, तो यहाँ पर P लिख देना 6, 5 में 1 जोड़ा 6 आ गया, P में 1 घटाया S आ गया और ये 2 लिख दिया। ओके अब यहाँ पर S आ गया, यानी वापस अब S के ऊपर कुछ है नहीं, ब्रेकर पे आ जाओ, अब किसकी बारी आ गई 4F की, तो यहाँ 4F में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितने भराते हैं 14, 4 में 1 जोड़ा 5, ठीक है F में 1 घटाया अपन ने, तो डी ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 10, 5 में 1 जोड़ा 6, डी में 1 माइनस किया तो कितना आ गया आपका पी, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भराते हैं 6 में 1 प्लस किया तो 7, डी में 1 माइनस किया तो S, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितने भराते हैं 2। तो इस तरह से आप कितना भी बड़ा इलेक्ट्रॉन विन्यास जमा सकते हैं, घाते जोड़ लीजिएगा जितना परमाणु क्रमांक हो उस हिसाब से हम इसको जमा लेंगे, ठीक है तो आप एक बार करके देखिएगा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके चलिए बाकी चीजें क्वांटम संख्या निकालना अब हम अगली क्लास में देखेंगे। ओके धन्यवाद।